रेडी हो ना सब? स्टार्ट कर दूं? बहुत ही बड़ी न्यूज़ है, ध्यान से सुनिएगा। FDA, जिसे हम इस वीडियो में दवाइयों की मार्केटिंग एजेंसी बोलेंगे, वो बहुत ही बड़ी मजबूरियों में फंस चुकी है, क्योंकि बहुत ही बड़े साइड इफेक्ट सामने आ चुके हैं इस पनीर टीके के। सारी बातों का ऑफिशियल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ये जानकारी अपने हर रिश्तेदार को बताएं, ताकि लोग जागे और खुद को और अपने परिवार वालों को, अपने बच्चों को बचा सके। इस मार्केटिंग कंपनी को फाइनली एक्सेप्ट करना पड़ गया है कि हाँ, इस डिप्रेशन के लिए लगाए जाने वाले पनीर टीके से गुलियन बैरे सिंड्रोम हो रहा है, यानी कि ये बीमारी। आप इसके पिक्स देख सकते हैं स्क्रीन पर। ये बीमारी हो रही है पनीर टीके से, ये ऑफिशियली एक्सेप्ट कर लिया गया है। ये एक ऑटोइम्यून डिसीज है, यानी कि आपकी इम्यूनिटी गलती से खुद ही हेल्दी नर्व्स को अटैक कर देती है और उन्हें ही डिस्ट्रॉय कर देती है, और ये बहुत ही सीरियस और इमरजेंसी वाली कंडीशन है। ये बात हमेशा से सबको पता थी कि पनीर टीका खाने से इस ऑटो इम्यून बीमारी के होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, लेकिन फिर भी इन लोगों ने साइड इफेक्ट्स की टेस्टिंग करे बिना और ऐसे हज़ारों साइड इफेक्ट्स की सेफ्टी स्टडी के बिना सबको पनीर टीका खिलवा दिया। और उसके बाद अब इनकी पोल पट्टी खुलते जा रही है और इन्हें ये वार्निंग रूट अपने पनीर टीकों पर ऐड करनी पड़ गया है। लेकिन उन लोगों का क्या जो मर गए या परमानेंटली अपंग हो गए? और ये साइड इफेक्ट्स की बात भी तभी सामने आई जब सिर्फ 0.0001% लोग अपने भीषण साइड इफेक्ट्स की रिपोर्ट करते हैं। बाकी लोग कभी भी रिपोर्ट नहीं करते हैं साइड इफेक्ट्स की, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है या कभी बताया ही नहीं गया या छुपा दिया जाता है कि साइड इफेक्ट्स किधर रिपोर्ट करने होते हैं। इतने कम साइड इफेक्ट्स की रिपोर्टिंग के बाद भी आज पनीर टीका खाने की वजह से 2.5 लाख से ज़्यादा लोग परमानेंटली डिसेबल्ड, यानी कि हमेशा हमेशा के लिए अपंग हो चुके हैं। आप VAERS का पोर्टल देखिए जाकर। अब इस मार्केटिंग कंपनी को मजबूरी में बहुत ही भीषण साइड इफेक्ट जोड़ना पड़ गया है पनीर टीके के साथ। और ये पनीर टीके की कंपनी है जो जे से शुरू होती है। आप नाम समझ जाओ कंपनी का जिसका नाम शुरू होता है जे से। यही नहीं, 15 अप्रैल 2021 को इस जे नाम वाले पनीर टीके बनाने वाली कंपनी के पनीर टीके पर खुद ही इन मार्केटिंग कंपनी ने रोक लगा दी थी 10 दिन के लिए, क्योंकि इससे ब्लड क्लॉट हो रहे थे, तो इसलिए 10 दिन के लिए रोक लगा दी थी। आप समझ रहे हो ना, लाखों लोगों को पनीर टीका खिलाने के बाद पनीर टीका सस्पेंड कर देना और फिर 10 दिन बाद सस्पेंशन हटा देना, कितनी ज़्यादा डरावनी बात है, क्योंकि इन लोगों को दिख चुका है कि ये बहुत ही बड़ी गड़बड़ हो चुकी है। और इस 10 डे सस्पेंशन के बाद 26 अप्रैल को ये वार्निंग ऐड की गई कि इस पनीर टीके से ब्लड क्लॉट होने के चांसेस हैं। और आज ये एक और वार्निंग ऐड हो चुकी है कि इससे ऑटो इम्यून डिसीजेस के चांसेस बढ़ जाती है। ये वार्निंग्स भी तभी ऐड हो रही हैं जब सिर्फ 0.0001% लोग अपने साइड इफेक्ट्स या अपने रिलेटिव्स की डेथ्स या परमानेंट डिसेबिलिटी रिपोर्ट करते हैं। उसके बाद भी इतने ज़्यादा परमानेंट डिसेबिलिटी के केसेस सामने आ चुके हैं। बहुत ही सिंपल है, अगर ज़्यादा डेथ्स हो रही हैं इस पनीर टीके से या ज़्यादा लोग परमानेंटली अपंग हो रहे हैं, तो ये लोग डेफिनेशन ही चेंज कर देंगे, ताकि इन बीमारियों का और पनीर टीके का लिंक तोड़ दिया जाए, जैसे हमेशा से चेंज करते हुए आए हैं ये लोग। और फिर डेफिनेशन ऐसी हो जाएगी जिसे बात सामने नहीं आ सकेगी कि इस दुनिया में जो नई बीमारियां फैल रही हैं उनका आखिर कारण क्या है, क्यों आजकल लोग बीमार पड़ रहे हैं, क्यों अचानक से कैंसर बढ़ गए हैं और क्यों ऑटिज्म बढ़ चुका है, क्या है इसका रीज़न। और फिर इन बीमारियों को जेनेटिक डिसऑर्डर का नाम दे दिया जाता है और पनीर टीकों से लिंक तोड़ दिया जाता है। ये हमेशा से होता हुआ आ रहा है और इन नई डिप्रेशन की बीमारी में बहुत बार ऑलरेडी गाइडलाइंस और डेफिनेशन की चेंज हो चुकी हैं। ये लोग कैसे चेंज करते हैं डेफिनेशन और रूल्स ताकि ये अपनी मन मर्जी चला सकें, इसलिए आपको बस एक पेज पढ़ना है। आप लोग ICD-10 गाइडलाइंस का पेज नंबर 209 पढ़िए। गूगल से डाउनलोड कर दीजिए ICD-10 और उसका पेज नंबर 209, जिसे आप ज़रूर पढ़िए। आपकी जान बचाना आपकी जिम्मेदारी है, अपना ध्यान रखिए। आपका साथी डॉक्टर येल्लो।